स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। उनके स्पिनर्स ने काफी अच्छी बॉल डाली मेरे आगे, रवि बिश्नोई ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, तो वहां पे मेरे हिट नहीं लगे थे, तो वो यही था कि उसके बाद हम ओवर देख रहे थे कि जिस ओवर में हिट लगनी स्टार्ट हुई तो वो बड़ा ही ओवर होना चाहिए, तो वो कॉटरल के ओवर में एक लगी, तो उसके बाद हमने यही प्लान किया था कि ये जितना बड़ा ओवर जाएगा हमारे लिए टीम के लिए उतना अच्छा होगा। ओके, अभिषेक फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स आपको पूछ रहे हैं कि कैन यू टेक अस थ्रू योर डोमेस्टिक क्रिकेट जर्नी सो फार, मतलब आईपीएल से पहले की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं हरियाणा के लिए खेलता हूँ और मेरा रणजी ट्रॉफी डेब्यू हो गया था 2013-14 में, तो उसके बाद हम काफी गेम्स हमारे लाली स्टेडियम में खेलते हैं हरियाणा में, होम ग्राउंड है हमारा, तो वहाँ पे मीडियम पेसर्स का ज्यादा यूज होता है, तो रणजी ट्रॉफी गेम्स कम खेला हूँ। बाकी हमारे लिस्ट और शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हमारे 3 इंटरनेशनल स्पिनर्स खेलते हैं, चहल मिश्रा भैया और जयंत यादव, तो उनके बीच में मैं प्लेइंग 11 में रहता हूँ, तो आई थिंक हरियाणा का बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे लिए कि 3 इंटरनेशनल स्पिनर्स के साथ मैं खेल रहा हूँ। तो वही है, जर्नी ऐसे ही रहती है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, पिच देख के वहाँ पे टीम बनती है, और लकीली मैं टीम में खेलता हूँ वहाँ पे, तो मुझे वहाँ पे भी सेम रोल दिया जाता है, ऑलराउंडर का रोल है कि बॉलिंग में जितने जितने ओवर डालने को मिले उसमें अच्छा करना है, और फिर वही है सेम कि बैटिंग में जितना जो मेरा प्लस पॉइंट है तो टीम को बैटिंग से जिता सकूं, मैच जीतने जा सकूं। अमित फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया इज आस्किंग, इनिशियली आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे बट देन सडनली यू मैनेज टू फाइंड द टॉप गियर, व्हाट चेंज्ड इन द मैटर ऑफ फ्यू ओवर्स? कुछ नहीं, मैं स्टार्टिंग में भी वही सोच रहा था कि स्टार्टिंग से जब मैं हिट मारने की कोशिश कर रहा था वही था कि टीम को जैसे रन रेट रिक्वायर्ड है उसके आसपास गेम चलता रहे, बस स्टार्टिंग में नहीं लगे थे हिट मेरे, तो बस मुझे कॉन्फिडेंस था कि जब अगर एक बार मेरे हिट लगने स्टार्ट हुए तो उसके बाद वो ओवर्स 2-3 ओवर जितने लंबे जाएंगे हमारी टीम के लिए उतना अच्छा है कि हम गेम जीतने के उतने क्लोज आते रहेंगे, तो वो उस ओवर में हुआ, वो गेम चेंजिंग ओवर निकला कि एक हिट लगे और उसके बाद फिर लगते ही गए, तो यही था, यही प्लान था कि ठीक है इनिशियली 15-20 बॉल पे हिट नहीं लगे हैं, तो उसके बाद मेरे दिमाग में यही चल रहा था बाकी जो 3-4 ओवर में अगर मेरे 6-7 यहाँ पे हिट लग गए तो हम गेम के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। प्राजक्ता फ्रॉम क्रिकव्यू इज आस्किंग कि टीम ने बहुत बड़ा टारगेट चेस किया विद 4 बॉल्स टू स्पेयर, ऐसा गेम जीतने के बाद ऑब्वियसली इट्स अ पॉजिटिव थिंग फॉर द टीम, तो कैंप में कैसा मूड है? नहीं बिल्कुल, ये रिकॉर्ड था कि आईपीएल में इससे पहले कभी इतना लंबा स्कोर चेज नहीं हुआ और हमारी टीम ने वो किया, तो यहीं पे हर प्लेयर का कॉन्फिडेंस दिखता है, सेल्फ बिलीफ दिखता है कि सबने हमने डेथ ओवर्स में बॉलिंग इतनी अच्छी करी, कमबैक इतना अच्छा करा, तो उसके बाद आके बैटिंग में जैसे हमें स्टार्ट मिला तो कहीं ना कहीं सब में कॉन्फिडेंस था कि हम ये मैच जीत सकते हैं, सेल्फ बिलीफ था सबके अंदर, और सेम वही हुआ, और ऑब्वियसली अगर आप इतने हाई स्कोरिंग गेम में विनिंग साइड पे होते तो ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत ही अच्छा होता है। अनुज फ्रॉम ANI इज आस्किंग कि अभी तक हमने टूर्नामेंट में सुपर ओवर्स देख लिए हैं कुछ, तो अगर ऐसा हमारे मैच में होता है तो राहुल तिवतिया एक ऑप्शन होंगे? इसमें बिल्कुल मैनेजमेंट के हाथ में, कैप्टन कोच के हाथ में, वो सिचुएशन देखेंगे मैच में कि कौन रन बना के आया है। एक सेकंड राहुल, प्लीज गाइस म्यूट योरसेल्फ, देयर इज लॉट ऑफ बैकग्राउंड। हाँ जी, वैसा ही है कि अगर मैनेजमेंट और कोच और कैप्टन के हाथ में है वो, तो कि उस सिचुएशन में कौन बैटिंग करके आया है वो तो गेम पे डिपेंड करता है कि गेम में किसके हिट्स लगे हैं, किसने रन बनाए हैं, या फिर कैसे कोच और कैप्टन के हाथ में है वो, अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं हमेशा तैयार हूँ अपनी टीम को किसी भी सिचुएशन में, और जैसे भी हेल्प कर सकूँ अपनी टीम को मैं हमेशा उस चीज के लिए रेडी हूँ। श्रीतमा पांडा फ्रॉम इंडिया टुडे, व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड व्हेन स्टीव स्मिथ प्रमोटेड यू एट नंबर 3 एंड देयर वाज रिकॉर्ड प्लेस इन फ्रंट ऑफ यू? सॉरी, टू मच नॉइज फ्रॉम द बैकग्राउंड। गाइस, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ, सब अपने आप को प्लीज म्यूट में कर लीजिए। ओके राहुल, आई विल रिपीट दिस।
what was going on in your mind when Steve Smith promoted you at number 3 and there was a record chase in front of you? What discussion did you have with the captain before coming down to bat? They sent me at number 4. So the only plan was just go and take on the bowlers. So wahi plan tha ki jo mera role मुझे पता था बहुत क्लियर कुछ मैच से पहले कुछ रोल मुझे क्लियर नहीं किया क्योंकि एक महीने से जब से हम यहाँ पे कैंप में तब से मुझे वो रोल पता है मेरा तो उन्हें ज्यादा बताने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी तो मुझे पता था कि अगर वो मुझे ऊपर भेज रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं और मेरे लिए वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि उन्होंने मुझे इतना ऊपर भेजा है तो कहीं ना कहीं प्रूव करने का भी एक मौका था तो वही रोल बहुत क्लियर था मेरा एक महीने से जब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तब से मेरा रोल बहुत क्लियर है बस यही बोलूंगा कि आगे भी अगर अगर मौका मिला तो मैं अच्छा ही करने की कोशिश करूंगा। श्रुति ESPN से पूछ रही हैं कि कैन यू आल्सो टॉक अबाउट योर बोलिंग? ऐसे कोई एरियाज हैं जहां पे आपको लग रहा है कि आपको इम्प्रूव करना है या किस चीज पे काम करना है? बिल्कुल, एज अ क्रिकेटर हमें बॉलिंग का स्पेशली हर चीज में, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हमारी फिटनेस, हर चीज में कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना ही होता है। कहीं पे ऐसा नहीं होता कि तुम आके एक जगह पे स्टे हो जाओ। तो वही है, जब भी प्रैक्टिस सेशन में जाते हैं, ट्रेनिंग सेशन में जाते हैं, वही रहता है कि उस ट्रेनिंग सेशन से कुछ ना कुछ लेके आए, कुछ ना कुछ इम्प्रूव करके आए, क्योंकि वही वही होता है कि क्रिकेटर अगर इम्प्रूव ना करे, ट्रेनिंग सेशन में जाए और वहाँ इम्प्रूव करने की ना सोचे तो वैसे ही हो जाता है कि जाओ और प्रैक्टिस करके आ जाओ। तो जब भी जिस भी ट्रेनिंग सेशन में जाते हैं तो वहाँ यही हमारा मोटिव रहता है कि आज उस सेशन से कुछ ना कुछ लेके आए, कुछ ना कुछ इम्प्रूव करके आए उस सेशन से। तो यही है कि बैटिंग में भी अभी तो काफी चीजें जिन पे मैं वर्क कर रहा हूँ और करता रहूंगा। सेम ऐसे ही बॉलिंग पे है, तो अकॉर्डिंग टू टीम्स प्लान होता है सब कुछ। तो जो प्लानिंग चल रही है अभी हमारी, बहुत अच्छी प्लानिंग चल रही है और उसके साथ जो हम वर्क कर रहे हैं ट्रेनिंग सेशन में जाके, तो वही है कि वर्क कभी रुकता नहीं है और इम्प्रूवमेंट का डेली स्कोप होता है, हर दिन नया होता है। तो वही ट्राई करते हैं कि डेली सेशन से कुछ ना कुछ गेन करके आए। ओके, बिफोर वी मूव टू संजू, राहुल एक और सवाल, आप बिहेवियर ऑफ द पिच इस साल मतलब किस तरीके से असेस करते हैं? डू यू थिंक द पिच इज स्पिनर फ्रेंडली? आस्था, कैन यू प्लीज रिपीट? सॉरी, हाउ डू यू असेस द बिहेवियर ऑफ द पिच? डू यू थिंक द पिच इज स्पिनर फ्रेंडली? आई डोंट थिंक कि शारजा में स्पिनर फ्रेंडली पिच थी क्योंकि ग्राउंड के डायमेंशंस भी थोड़े छोटे हैं। तो सबका रोल होता है, देखो हमारे स्पिनर्स को अगर जब हमें रन लगे तो हमारे मीडियम पेसर्स ने कम बैक किया डेथ ओवर्स में, उनकी वजह से ही हम कहीं ना कहीं टारगेट हमें लग रहा था कि 240-245 के आसपास जाएगा, बट जैसे हमारे मीडियम पेसर्स ने हमें मैच में कम बैक किया। तो सबका रोल है, मीडियम पेसर्स का अपना रोल है, स्पिनर्स का अपना रोल है। हाँ, लगता है कि एंड ऑफ द टूर्नामेंट पे थोड़ा स्पिनर्स को हेल्प मिलने लगेगी लेटर ऑन, कि थोड़े विकेट स्लो होंगे क्योंकि गर्मी भी ज्यादा है यहाँ पे, बट मेरा मानना यही है कि सबका उतना ही रोल होता है गेम में। मीडियम पेसर्स का भी उतना ही रोल है और स्पिनर्स का भी उतना ही रोल है, तो सबको अपने रोल पूरे करने हैं, तभी टीम जीतती है। किसी एक पे या किसी दो पे टीम डिपेंड नहीं रहती, तो सबको अपने रोल पूरे करेंगे, सब अपने रोल पूरे करने की कोशिश करेंगे तो टीम अच्छा करती रहेगी। ओके, लास्टली राहुल, कल के मैच के लिए क्या सोच है दिमाग में, क्या करने जाने वाले हो? नहीं, सेम मैंने जो आपको बताया कि मुझे मेरा रोल, ये जो अभी एक महीने से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे मेरा रोल पता था। कहीं ना कहीं मुझे लॉकडाउन में भी, मुझे ये जब हमारी मीटिंग्स होती थी तो वो मुझे रोल पहले बहुत बहुत क्लियर था मैं इस रोल के लिए, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में चल रहा था कि ये रोल जब भी मिलेगा और अपॉर्चुनिटी जब भी मिलेगी तो उसको ग्रैब करूंगा। और यही है, ट्रेनिंग सेशंस में जाते हैं हम, वही प्रैक्टिस उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं, स्पेसिफिक प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि जो रोल दिया गया है तो उसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं। तो बस मेरा यही है कि पूरे टूर्नामेंट में अच्छे परफॉर्मेंस रखने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।